देखो ये स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट में देखो आपको ध्यान रखना है, जब भी कंपाउंड क्या होगा टूटेगा, NaOH टूटेगा तो उसमें टूटा Na प्लस में NaOH माइनस। तो जितनी आपने इसकी कंसंट्रेशन ली होगी उतनी ही आपको Na प्लस मिलेगा, उतना ही आपको OH माइनस मिलेगा। तो इसको यहाँ आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ, बिल्कुल ये बेसिक है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है समझ में या कोई चीज है तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करके बताओ, तो मैं आपको डीप में उसे बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, जैसे मैंने NaOH को ब्रेक डाउन किया तो NaOH होगा Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। आप इसी कितने भी क्वांटिटी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4। दूसरा देखो मैंने लिया H2SO4, H2SO4 का मतलब हुआ E2H प्लस और SO4 माइनस। अगर ये रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रलाइज वाली रिएक्शन है, तो क्या होगा H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना देंगे H2। क्लियर है यहां तक? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है H प्लस और OH माइनस। अब देखो क्या है, अगर NaOH की एक क्वांटिटी है और H2SO4 का भी 1 M है, तो अगर दोनों का मैंने सेम क्वांटिटी ली है तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 M। लेकिन यहाँ पे मुझे H प्लस के कितने मिलेंगे कोई बता सकता है? अगर मैंने 1 M H2SO4 लिया, 1 M, 1 M H2SO4 लिया है, तो बताओ H प्लस के कितने आयंस मिलेंगे? वेरी गुड अक्ष गांधी, और इसके अलावा रिप्लाई करो ईशा, वेरी गुड। एनी वन एल्स? पृथ्वीराज राइट आंसर है, मनाली अनुजा, वेरी गुड। तो देखो समझ गए आप लोग कि हम एन फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर सपोज करो आपने NaOH का 1 M लिया है तो मुझे 1 MOH माइनस मिलेगा, लेकिन अगर मैंने 1 M H2SO4 लिया है तो मुझे कितने मिलेंगे, 2 M मिलेंगे। यानी कि मुझे इसकी क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, डबल, तब जाके ये इसके इक्वल हो पाएगा। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तब ये इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। यानी NaOH की कितनी मोलरिटी चाहिए मुझे, 2 M। NaOH मुझे चाहिए 2 M, तो ये बनेगा 2 Na प्लस और 2 OH माइनस, तब हमें जाके 2 M मिलेगा। यानी कि ओवरऑल देखेंगे जो हमें H2SO4 है उसका 1 M चाहिए और NaOH का 2 M चाहिए, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। यानी कि हमने क्या किया, H प्लस से मुझे 2 H मिल रहे थे और NaOH से मुझे 1 ही OH मिल रहा था, तो मैंने क्या किया कि अगर मुझे 1 M H2SO4 को कंप्लीटली यूटिलाइज करना है तो मुझे कितने चाहिए, 2 M of NaOH चाहिए, तब जाके ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 1 M में मुझे मिल रहे हैं 2H प्लस और इसके 2 M में मिलेंगे मुझे 2 OH माइनस। अब ये H प्लस और OH माइनस बराबर हुए हैं और अब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो पाएंगे। क्लियर है यहां तक? नो रिप्लाई? अच्छा ब्लर आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूं। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है? वीडियो वीडियो का बताओ पहले मुझे, वीडियो क्लियर है कि नहीं है?
अच्छा वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है ईशा? ओके भूमि क्लियर है। ज्ञानांश गांधी आपका कहीं ना कहीं पे नेट प्रॉब्लम होगी। परमिता रॉय समवट ब्लर, वीडियो इज ओके। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है वीडियो, एक मिनट में नेटवर्क को हैक करता हूं, डोंट वरी, एक मिनट नेटवर्क को क्लियर है, वेरी गुड। तो यहां से आपको देखो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी क्वांटिटी एसिड की होनी चाहिए उतनी ही क्वांटिटी बेस की होनी चाहिए, तब जाके ये एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। अगर एसिड कम है और बेस ज्यादा है या बेस कम है एसिड ज्यादा है तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे एक दूसरे। ठीक है, तो NaOH में से एक मोल NaOH क्या कर रहा था, एक मोल OH ही प्रोड्यूस कर रहा था, जबकि एक मोल H+O को दो मोल H+ को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, मिसमैच हो गए। अगर मैंने दोनों की सेम क्वांटिटी ली तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं है। यहाँ पे ये एक मोल कितने H निकाल रहा है, 2H निकाल, और यहाँ पे ये एक मोल कितने निकाल रहा है, 1HOH- निकाल रहा है। तो हमने क्या किया, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2M ऑफ NaOH होगा और यहाँ पे कितना होगा, 1M H2SO4 होगा, तब ये आपस में क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, अदरवाइज ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है जो टाइटेशन वगैरह होते हैं, तो वो इसी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? यस ईसा, वेरी गुड। तो जितनी क्वांटिटी बेस की होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज आपने यहाँ पे 1M डाला, अगर आपने सपोज करो 1M H2SO4 रखा, तो ये क्या करते हैं, एक आध इंडिकेटर इसमें मिला देते हैं, जैसे हमने फिनोक्टिन वगैरह मिला दिया या मिथाइल ऑरेंज हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज। अब क्या होगा, देखो जैसे आप NaOH डालते जाओगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। अब जैसे ही NaOH की क्वांटिटी बढ़ी यानी बेस ज्यादा हुआ, वैसे ही क्या होगा, जो मिथाइल जो आपका फिनोक्टिलीन ले लिया हमने, चलो फिनोक्टिलीन इंडिकेटर यूज किया है, तो फिनोक्टिलीन क्या करता है, फिनोक्टिलीन अगर बेसिक मीडियम में होगा तो उसका कलर हो जाता है पिंक। जैसे ही फिनोक्टिलीन में आप बेस मिलाओगे उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा बेसिक मीडियम, और अगर एसिडिक मीडियम होगा तो वो होता है कलरलेस। तो जैसे आप इसकी क्वांटिटी यहां से मिलाते जा रहे हो तो क्या होगा, मिलाने से ये कलरलेस दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एसिड ज्यादा है। जैसे आपने कंसंट्रेशन को 2M किया, NaOH की कंसंट्रेशन 2M आई, वैसे इसका कलर क्या होगा, पिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस की क्वांटिटी और एसिड की क्वांटिटी लगभग बराबर हो गई। जैसे आपने एक बूंद इसमें एक एक्स्ट्रा डाला, एक बूंद डालते ही इसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। यानी आपने समझ लिया कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को NaOH की, और NaOH आप देखोगे यहाँ से हमने कितना वॉल्यूम यूज किया, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, आपने 14 ml यूज किया, 30 ml यूज किया, 20 ml यूज किया, ये यहाँ से काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा रहता है 10, 20, 30, 40, 50, और इसके बीच
में 10 लेयर के, तो जितना ML आप यूज करोगे आप उसे फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि NaOH की मोलैरिटी क्या होगी। कैसे निकाला देखो हमने, इसके मोलैरिटी को निकालने का तरीका क्या था, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इसका, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, N1V1 = N2V2। अब मुझे सपोज करो H2SO4 का मोलैरिटी गिवन है और मैंने आपको इसमें यहाँ पे 250 ml वाटर मैंने पहले से ही भरा हुआ है, तो मैंने उसकी क्वांटिटी यहाँ लिख दी, मैंने H2SO4 का लिख दिया 2 × 2 = 250। अब मुझे NaOH का पता नहीं है तो मैंने क्या किया, NaOH के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा N1 × वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मुझे यहाँ से पता चलेगा, वॉल्यूम सपोज करो 50 आ गया, तो मैंने लिखा यहाँ पे 50, तो मुझे यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा कि NaOH की कंसंट्रेशन कितनी होगी, या NaOH की मोलैरिटी कितनी होगी, या NaOH की नॉर्मैलिटी कितनी होगी। हाँ वेरी गुड ईशा, राइट आंसर है, वेरी गुड। तो समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट की नहीं आया समझ में, टाइट्रेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड ईशा। एनीवन अदर एज अदर, कोई और है जिसको नहीं आया समझ में? श्रावणी क्लियर है, और कोई? मनाली वेरी गुड, ओके पृथ्वीराज। इसके अलावा और कोई? एनीवन एल्स? तो क्या ये पूरा का पूरी रिएक्शंस थी जो आपको अभी तक मैंने बताई नहीं थी? तो रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्शन बेस्ड होती है आपका L1V1 यानी लॉ ऑफ ग्राफ इक्विवेलेंट पे। हम यहां से पता लगाएंगे कि जो एसिड की क्वांटिटी होगी वो बेस के इक्वल होनी चाहिए। अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे बेस को एसिड चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे एसिड ले लिया H3PO4 का मतलब होता है कि जैसे मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करूंगा मुझे 3H+ मिलेंगे, तो 3H+ का मतलब होता है कि अब आप अगर इसके वन मोल होंगे तो इसके सॉरी इसके वन मोल होंगे तो इसके 3 मोल होने चाहिए तब ये आपस में इक्वल होंगे, इसका 1 मोल इसका 3 मोल ये आपस में इक्वल होगा, तो उस हिसाब से फिर क्या होगा यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप एसिड को चेंज करोगे या आप बेस को चेंज करोगे तो आपका आंसर भी क्या होता जाएगा, वेरी होता जाएगा। और ये सारे के सारे आंसर आपको एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, दैट इज N1V1 = N2V2। आपको रिएक्शन आनी चाहिए और उसका एम फैक्टर निकालना आना चाहिए। थोड़ा एम फैक्टर का कॉन्सेप्ट हर जगह पे अलग होता है, इसको मैं अलग से पूरी क्लास लेके बताऊंगा क्योंकि ये रिएक्शन में काफी डिटेल चीज है, ये रिएक्शन में इसकी वैल्यू वेरी कर जाती है। तो अगर मैं देखूंगा क्योंकि टाइट्रेशन आपके पास 2 चैप्टर में है, 2-3 चैप्टर में है, तो एक यहाँ पे पढ़ोगे आप यही कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे चैप्टर लेकिन इन्होंने दे दिया है, नहीं तो जनरली ये गैस स्टेट में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं इसके या रिडॉक्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। इसको जो सबसे ज्यादा डिटेल है वो रिडॉक्स में इसकी पूरी डिटेल है, यहाँ पे केवल बहुत कम आता है, इसीलिए हम बहुत कम बताते हैं आपको क्योंकि इसकी डिटेल है जो वो अगले चैप्टर में ज्यादा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने देखा ये क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है तो इसमें भी डाल दें। तो ये जो आपको क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हुए हैं कई बार वो अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं और वो इसमें आपको दे दिए जाते हैं ताकि नॉलेज के लिए आप प्रपोज से, यहाँ पे इसका बहुत छोटा सा पोर्शन आता है, इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ आती है जहाँ पे हम बताएंगे कि इंडिकेटर का क्या रोल होता है इसमें टाइट्रेशन में, ये कैसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एन फैक्टर की पूरी डिटेल आती है। तो वो क्या है आपका एक सेपरेट चैप्टर है।
लेकिन कई बार इसमें दे देते हैं, इसका जो बहुत डिटेल है आपके पास वो इस रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में पूरी डिटेल, जहां पे हम आपको एक एक चीज बहुत क्लियर करके बताते हैं, हर एक का रोल अलग होता है। पर सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हर एक जो कॉन्सेप्ट आपका ये चलेगा ये जनरली, हाँ एन फैक्टर इसका बहुत बड़ा चैप्टर है ये, रिडॉक्स रिएक्शन है वो इसी में 11th में ही आता है, 7th-8th चैप्टर होगा आपका, तो उसमें पूरी डिटेल में आपको इसकी स्टडी कराते हैं हम। इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि तब तक आप लोग रिएक्शन वगैरह काफी कुछ है। एक बार आपको एन फैक्टर के बारे में फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये एन फैक्टर यहाँ पे आएगा और रिएक्शन में आएगा दोनों जगह पे ये वैरी हो जाता है। अगर आप एन फैक्टर को जानना चाहते हो तो उससे मैं आपको कल आपको उसकी पूरी डिटेल में बता सकता हूँ। थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे कैसे होता है। देखो एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। एन फैक्टर रिएक्शन वगैरह में मैंने आपको कहा था कि अगर आप रिएक्शन पढ़ोगे तो एन फैक्टर की वैल्यू अलग आती है, इसीलिए जो नीट लेवल है केवल मेंस लेवल में केवल एन फैक्टर पे ही क्वेश्चन आ जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये मिलेगा 3 चैप्टर में मिलेगा आपका, ये होल कॉन्सेप्ट में भी है, रिडॉक्स में भी है, आगे भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें ये पॉइंट